नमस्कार। आज हम उबले हुए आलू के मसाले वाले सैंडविच बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी होगा। 4 उबले आलू, हरे मटर के दाने, मूंगफली, पुदीना के पत्ते, धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता, थोड़ा अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, नींबू, ये सब ले लेंगे। धनिया पत्ती अदरक को बारीक काट लेंगे, पुदीना तोड़कर बारीक काटेंगे, आलू का छिलका निकाल कर अच्छा मैश कर लेंगे। लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बनाएंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालकर 1/2 टीस्पून जीरा तड़का लेंगे। मूंगफली के दाने भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब ये अच्छा क्रंची हो जाएगा तब इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। थोड़ा तेल और डालेंगे, लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भूनेंगे, पका लेंगे। नमक स्वादानुसार डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून डाल देंगे, भूनेंगे। मटर डाल देंगे, थोड़ा पकने तक भून लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। कड़ी पत्ता अदरक डालेंगे, भूनेंगे। मैश किया हुआ आलू डाल देंगे, भुना हुआ मूंगफली मिलाएंगे, कटा हुआ पुदीना, हरा धनिया, इन सबको मिला देंगे। नींबू का रस डालेंगे, इन सबको अच्छा मिक्स कर लेंगे। तैयार हो जाएगा बहुत ही टेस्टी सैंडविच के लिए स्टफिंग का मसाला। अब हम सैंडविच बनाएंगे तो इसके लिए ब्रेड ले लेंगे। 2 सैंडविच बना रहे हैं तो हम 2 ब्रेड के स्लाइस लेकर, कोई सा भी हम ब्रेड ले सकते हैं, 2 ब्रेड के स्लाइस को बोर्ड पे फैला देंगे। उस पर आप टमाटो, केचप, बटर, हरे धनिया की चटनी, ये सब लगा सकते हैं। मैं बिना इसके ही बना रही हूँ। ब्रेड के ऊपर आलू का मसाला इस तरह से फैलाते हुए दबा दबा कर रख देंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से ज्यादा या कम मसाला रख सकते हैं। 1 लेयर आलू के मसाले का हम अच्छी तरह से फैला कर रख देंगे। इस तरह से आलू का मसाला चारों तरफ ब्रेड के ऊपर फैल जाएगा। दूसरे ब्रेड में भी इसी तरह से आलू का मसाला हम जरूरत के हिसाब से रख लेंगे। तो मसालों का 1 लेयर तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर हम दूसरे ब्रेड के स्लाइस को चिपकाते हुए रखेंगे। तो इस तरह से हमारा 2 सैंडविच तैयार हो जाएगा। तवे पर सेकेंगे तो तवा गरम कर लेंगे। फिर बटर फैलाते हुए तवा गरम करके उसमें बटर डालेंगे। अब बटर के ऊपर तैयार सैंडविच के दोनों पीस को रख देंगे, सिकने देंगे, बटर और डाल देंगे। 2 मिनट के लिए सेक लेंगे, ये अच्छा सिककर रेडी हो जाएगा। फिर इसको हम बड़े आराम से उलट देंगे, दूसरे साइड भी अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे। सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। जरूरत के हिसाब से बटर लगा लेंगे, सैंडविच रेडी है। इसको हम इस तरह से नाइफ की हेल्प से काट लेंगे। इस तरह से सैंडविच रेडी हो जाएगा। इस सैंडविच के अंदर बहुत ही अच्छा स्टफिंग का मसाला है। यह बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनकर रेडी हुआ है। इसको आप सॉस, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी है। इसको आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। Thanks.